वेलकम टू ब्रेकआउट सिग्नल दोस्तों, आज हम एक ऐसा स्टॉक देखने वाले हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट टाइम इसने 2008 में एक हाई बनाया था, उसके बाद 15 साल बाद वो अब इस लेवल पे आ गया है जहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए वो तैयार है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आप एजुकेशनल पर्पज से लीजिए। अगर आप बाय करना चाहते हो उस स्टॉक को तो आप पहले रिसर्च कीजिए, खुद का स्टडी कीजिए, फिर बाय कीजिए। तो शुरू करते आज का वीडियो दोस्तों। ये है शोभा लिमिटेड, स्टॉक का नाम है शोभा लिमिटेड। यहाँ पे वन मंथली जो कैंडल रहता है, यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते 2007 में इसने एक हाई बनाया था, इसके बाद लगातार यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लगभग 2022 के आसपास इसने हाई वो ब्रेक करने की कोशिश की, मगर फिर से वो डाउन गया। अब इसलिए नीचे के लेवल से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आ रहा है, जो वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है नीचे, और एक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर यहाँ पे मंथली कैंडल मैंने चार्ट ओपन किया है तो यहाँ पे मैं अभी इसको वीकली पे स्विच करता हूँ, जो कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोला जाता है उस टाइप में यहाँ पे पैटर्न दिखेगा दोस्तों। लगभग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल से जो स्टॉक नीचे जा रहा था और एक राउंड बना के ऊपर आ रहा है, तो एक हाफ राउंड बना गया है, एक राउंडिंग बॉटम जिसे बोला जाता है वो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है, बहुत सारा वॉल्यूम है जो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए तैयार हो गए। मगर फिर भी यहाँ पे बाइंग लेवल्स अगर देखा जाए तो बाइंग लेवल्स कहाँ पे बाय करना चाहिए ये अगर देखना है तो आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पे जो मंथली कैंडल है इसका, यहाँ पे देखा जाए तो यह एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है जो काफी अच्छा, यहाँ पे एक बहुत दिनों का एक रेजिस्टेंस है जिसको ये अभी रेजिस्टेंस के पास फेस कर रहा है। अगर वीकली पे मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस को इसने हाई बनाया था यहाँ पे आज इस वीक में 1057 के लगभग आसपास हाई बनाया है, 1057 के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाई बनाया हुआ है। तो इसको बाय कब करना चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको एक प्राइस बताता हूँ, 1060 ये अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना चाहिए। मैं ये इसको आपके स्टॉप लॉस टारगेट निकालने के लिए मैं ये स्टॉक को पहले तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वीकली अगर देखा जाए तो वीकली टारगेट अगर निकालना जाए तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का जितना हाइट रहता है उतना वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये हमारे आने वाले कुछ 2-3 महीने में ये स्टॉक हमारा टारगेट दे सकता है हमें। लगभग यहाँ से ये जो 1700 का टारगेट है वो हमें आने वाले दिनों में देने के लिए तैयार है। फिर भी हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट अगर इस स्टॉक से निकलना है हमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा एक बुलिश रन चालू हो रहा है, जो राउंडिंग बॉटम मैंने बोला था वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी आपको बाय करना है तो 1060 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपको नीचे यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जो पीनट पैटर्न है, पीनट पैटर्न टाइप यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, ये अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो चुका है और अभी रिटेस्ट करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसका अगर टारगेट निकाला जाए तो ये यहाँ से जो पोल का हाइट है, पोल की हाइट लगभग यहाँ पे आपको दिख रही है कि फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से निकलने वाला है लगभग यहाँ पे इस लेवल पे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1130 के आसपास, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है लगभग बहुत ही ऊपर है 1700 के आसपास, तो यह आने वाले टाइम में एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा ये स्टॉक बन दिख रहा है, जो बहुत ही एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो आप इसे बाय कीजिए 1060 के आसपास, और आपका पहला टारगेट रहेगा हमारा 1130 का, और लास्ट टारगेट जो है 1700 का टारगेट रहेगा। लगभग यहाँ से 70% प्रॉफिट ऊपर ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। ये टारगेट मैंने जो भी है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर निकाले हुए, जो राउंडिंग बॉटम का डेप्थ रहता है उस हिसाब से ये स्टॉक टारगेट निकाला हुआ है। अभी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर इसको आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब अगर कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होती तो यहाँ पे शुरुआत में तो आप यहाँ पे 980 का यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। 980 के स्टॉप लॉस के साथ 1060 के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका जो भी रहेगा 1130, और लास्ट जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे
जो मैंने आपको बोला है कि 1700 का टारगेट हमारा जो आने वाला है, आने वाले टाइम में 1700 का टारगेट मिलने के लिए तैयार है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त आ रहा है, पहले से भी वॉल्यूम चढ़ गए, अभी भी फ्रेश वॉल्यूम इस स्टॉक में आया है। अगर ब्रेकआउट होता है 1060 तो ज़रूर बाय कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए जिससे आपको लॉस न हो जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।